हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम वायरिंग करना सीखेंगे दो सॉकेट, तीन स्विचेस और एक इंडिकेटर की। तो सबसे पहले हमें इन सबको इस तरीके से बोर्ड में फिट कर लेना है। अब हम इनके टर्मिनल्स को जान लेते हैं। तो ये है हमारे सॉकेट के टर्मिनल्स। ये एल वाला पॉइंट है, यानी कि फेज, यानी कि लाइव वाला पॉइंट। और ये है न्यूट्रल का टर्मिनल, वैसे ही इसमें है। और ये है हमारे स्विचेस के टर्मिनल। स्विचेस में दो दो टर्मिनल होते हैं। और ये है हमारे इंडिकेटर के टर्मिनल। इंडिकेटर में कहीं कहीं पर ये वायर दिए हुए होते हैं और कहीं कहीं पर दो टर्मिनल होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम करेंगे फेज वायरिंग। तो फेज वायरिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा ये स्विच है, इस स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, इस स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, और जो हमारा ये वाला स्विच है, इस स्विच से हमारा होल्डर ऑपरेट होगा, यानी कि ये वाला स्विच हमारा होल्डर का है। तो चलिए अब हम वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम फेज वायरिंग इन स्विचेस की करेंगे, यानी हमें इन स्विचेस को कॉमन बना लेना है फेज वायर से। तो उसके लिए हमें वायर लेना है, जैसे मैंने ले रखा है, और इन दोनों टर्मिनल्स को कॉमन बना लेंगे, फिर इन दोनों टर्मिनल्स को कॉमन बना लेंगे, फिर हमें कॉमन बना लेना है हमारे इंडिकेटर को। तो इंडिकेटर आपने देखा है कि जलता हुआ रहता है, तो उसके लिए हमें फेज और न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है। तो अगर यहाँ पर इस तरह के टर्मिनल्स होते तो हम इस तरह का वायर लेते और यहां पर कनेक्ट कर देते, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ये वायर दिया हुआ है, तो हम इस वायर को ही यहां पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम वायरिंग कर लेते हैं। तो गाइस, इतनी फेज वायरिंग हमारी हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्विच है, इस स्विच से हमारा सॉकेट ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर हम एक फेज वायर लेंगे और स्विच के एल वाले, यानी कि लाइव, यानी कि फेज वाले टर्मिनल पर हमें ये फेज वायर कनेक्ट कर देना है, और इसी वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने इस स्विच से ये वाला सॉकेट कनेक्ट किया है, वैसे ही इस वाले स्विच से हम ये वाला सॉकेट कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एक और फेज वायर लेंगे और यहां से यहां पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो गाइस, इतनी फेज वायरिंग हमारी हो गई है। अब हमारी होल्डर की फेज वायरिंग रह गई है। तो उसके लिए हमें एक फेज वायर लेना है, और जो हमारा स्विच है, यहाँ पर हम इस फेज वायर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला स्विच हमारा होल्डर का है, और होल्डर में भी हम एक टर्मिनल पर ये वाला फेज वायर कनेक्ट कर देंगे। गाइस, फेज वायरिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। जो हमारी मेन सप्लाई की फेज वायरिंग रहती है, वो हम बाद में करेंगे। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए हमें ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर लेना है, और इसे हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट्स पर। फिर हमें इसे कनेक्ट करना है जो हमारा इंडिकेटर है, इसके इस वाले दूसरे वाले टर्मिनल पर, यानी कि दूसरे वाले वायर पर। और फिर हमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पर। तो चलिए अब हम न्यूट्रल वायरिंग भी कर लेते हैं। गाइस, फाइनली हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। जो हमारे फेज और न्यूट्रल है, इन्हें हम मेन सप्लाई में लगा देंगे इसे टेस्ट करने के लिए। और होल्डर में हमने बल्ब लगा लिया है, तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर में सप्लाई आ गई है, और जो हमारा ये वाला स्विच है, ये हमारा होल्डर का है। तो इस स्विच से हम होल्डर को ऑपरेट करेंगे, और जो हमारे दो ये स्विच है, इनसे हम
हमारे सॉकेट्स को ऑपरेट करेंगे। तो गाइज इस तरीके से आप इस वाले बोर्ड की वायरिंग करना घर पे ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।